जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, मेरे सलाहकार श्रीमान राजीव राय भटनागर जी, स्वीकृति यूथ सर्विसेस इन द स्पोर्ट्स श्री सरमद हफीज, डायरेक्टर यूथ स्पोर्ट्स यूथ सर्विसेस इन द स्पोर्ट्स श्री सुभाष सुंदर जी, जम्मू विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और प्राध्यापक जो इस सभागार में उपस्थित हैं, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सभी पदाधिकारी, देश भर के नेशनल स्कूल गेम्स की दो डिसिप्लिन में पिछले कुछ दिनों से अपने टैलेंट्स का प्रदर्शन कर रहे मेडल्स और यश प्राप्त करने वाले सभी युवा खिलाड़ी, उनके प्रशिक्षक, टीम मैनेजर्स, सभागार में उपस्थित देवियों, सज्जनों और मित्रों, नेशनल स्कूल गेम्स के समापन समारोह में आपके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। जूडो अंडर 14 बॉयज एंड गर्ल्स, फेंसिंग अंडर 19 बॉयज एंड गर्ल्स के सभी प्लेयर्स एवं पदक विजेताओं को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं तथा उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है जिंदा दिन जम्मू कश्मीर में सभी यंग प्लेयर्स का अनुभव भी शानदार रहा होगा और पिछले कुछ दिनों से गेम्स के द्वारा जो नई ऊर्जा आपने हासिल की है तो भविष्य में आपका मार्गदर्शन करेगी। आज जम्मू यूनिवर्सिटी ने सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक को खिलाड़ियों को समर्पित किया गया है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स जम्मू यूनिवर्सिटी तथा सभी खिलाड़ियों को इसके लिए भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 31 अक्टूबर को श्रीनगर में नेशनल स्कूल गेम्स के दो डिसिप्लिन फुटबॉल तथा वॉलीबॉल के उद्घाटन का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। स्कूल गेम्स में देश भर से आए यंग टैलेंट्स के जोश और जुनून को देखकर मैं आज कह सकता हूं पिछले कुछ वर्षों में स्पोर्ट्स की विभिन्न विधाओं में अभूतपूर्व प्रदर्शन के द्वारा युवा बच्चों और बच्चियों ने यह साबित किया है कि देश में स्पोर्ट्स का भविष्य अब उज्ज्वल है और आप सभी का असाधारण प्रदर्शन आने वाले समय में भारतवर्ष को निश्चित रूप से नई ऊंचाई पर ले जाए। सही मायने में देखा जाए तो नेशनल स्कूल गेम्स युवा टैलेंट्स के लिए एक लॉन्चिंग पैड है या लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म से आप सभी की एक नई यात्रा शुरू होती है जो जीवन में तमाम अवसरों के साथ साथ अनेक उपलब्धियों का मार्ग भी प्रशस्त करती है। तदाहिरो नमुरा, जेडी रिनर, डेविड जैसे अनेक जूडो प्लेयर्स हैं जिन्होंने शुरू से अपनी प्रतिभा को निखारना शुरू किया और उनके जैसे आज सैकड़ों विश्व प्रसिद्ध एथलीट्स हैं जिन्होंने स्कूल से ही स्पोर्ट्स को अपना कैरियर बनाया और भविष्य में ग्लोबल लेवल तक की ख्याति अर्जित की। स्पोर्ट्स खेलने कैसे नया आइकन है जिन्हें स्कूल गेम्स की खोज ही हम मानते हैं। उनके नेचुरल स्पोर्टिंग गिफ्ट तथा पोटेंशियल को सही प्रशिक्षण और वातावरण प्रदान करके उनकी क्षमता को सफलता के नए शिखर प्रदान किए गए। हाल ही में समाप्त हुए एशियन गेम्स, एशियन पैरा गेम्स तथा एशियन पैरा आर्चरी गेम्स में उल्लेखनीय प्रदर्शन करके हमारे प्लेयर्स ने साबित किया है कि भारतवर्ष में अब चैंपियंस को पैदा करने की एक नई ताकत आई। इस ताकत के पीछे युवा वर्ग में आया नया उत्साह और लक्ष्य के प्रति संकल्पबद्धता और दृढ़ता भी शामिल। नौजवान साथियों, लक्ष्य आपको एक एथलीट के रूप में डिफाइन करता है। आपका मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस तथा सही ट्रेनिंग
लक्ष्यों की प्राप्ति में आपका सबसे बड़ा सहयोगी होता है। और इन तीनों का सामंजस्य स्पोर्टिंग एरेना में नए भारत के निर्माण की नींव साबित हुआ है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पिछले 8-9 वर्षों में देश में एक नया स्पोर्ट्स कल्चर विकसित करने में मदद की है। युवाओं को स्पोर्ट्स के बेहतरीन संसाधन, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश भर में और देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदान किए गए। प्रतिभावान खिलाड़ियों को देश विदेश में कोचिंग के लिए सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमारे टैलेंटेड खिलाड़ियों को वो सारी सुविधाएं मिले जो बाकी देशों के चैंपियंस को मिलती। आज इसका सकारात्मक प्रभाव हर टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं। जब शान से भारत का तिरंगा इंटरनेशनल मैदानों में लहराता तो निश्चित रूप से हम सबका सीना चौड़ा हो जाता। हमारी बच्चियों ने स्पोर्ट्स के अनेक डिसिप्लिन में कमाल का प्रदर्शन करके भारतवर्ष का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। जम्मू कश्मीर की रहने वाली एशियन पैरा ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट शीतल आज देश की सभी बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई। पहले कभी भारत एशियन गेम्स, विश्व कप तथा ओलंपिक में जगह बनाने के लिए जूझता संघर्ष करता था। आज हमारा लक्ष्य ऊंचा हो गया। आज गोल्ड मेडल के लिए हमारे खिलाड़ी जूझ रहे हैं और उनके प्रदर्शन ने स्कूल कॉलेज में युवा खिलाड़ियों के हौसलों को एक नई रफ्तार दी। आज स्पोर्ट्स के नए रोल मॉडल सामने आ रहे हैं और अनेक डिसिप्लिन में जहां कभी मेडल्स की कल्पना नहीं करते।